होने के बाद से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों की संख्या में हर रोज भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की आरती और दर्शन के समय के बारे में जानकारी दी है। मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा समय सूची जारी की है। रामलला के दर्शन और आरती के समय में क्या बदलाव हुआ है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के अनुसार श्री राम लला की श्रृंगार आरती तड़के 4:30 बजे और मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होगी। इसके बाद भक्त 7 बजे से दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भगवान राम की भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। भोग आरती के बाद संध्या आरती और शाम 7:30 बजे भोग आरती, 8 बजे और शयन आरती रात 10 बजे होगी। आपको बता दें कि राम मंदिर की आरती में एक बार में सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया था। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राम मंदिर प्रबंधन को उन्हें संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक मंदिर दर्शन के पहले ही दिन मंगलवार को 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे। अयोध्या में उमड़े जनसैलाब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया था। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए पीएम मोदी ने बीते गुरुवार 24 जनवरी को कैबिनेट मंत्रियों से फिलहाल अयोध्या जाने से बचने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा ना हो, इसलिए मंत्रियों को मार्च में दर्शन की योजना बनानी चाहिए। वहीं रामलला के राम मंदिर में विराजमान होने के बाद से चढ़ावे का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन भक्तों ने लगभग 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। संगठन के लोग थे या हम कहे पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि जब ये मंदिर बनने लगेगा तो महालक्ष्मी का वास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भगवान विष्णु जी स्वयं जब विराजमान हो गए हैं तो उनके सानिध्य में जो है माँ का वास तो होना ही है। तो आज जो है करोड़ों रुपए की जो धनराशि है वो इसी का आधार है और इसी प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। देखिए अमाउंट का जहाँ तक है, ऑनलाइन जो देने वाले लोग हैं वो तो सीधे बैंकों में भेज रहे हैं और बैंकों में भेजने के कारण जो है उसकी गिनती तो उन्हीं से प्राप्त होगी, लेकिन जो नगद धनराशि भेज रहे हैं वो कोई दान पात्र में डाल रहा है और कोई जो है आकर रसीदें कटा रहा है। तो रसीद और दान पात्र में दोनों में अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन देने वालों का तो आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन जो धनराशि इसमें दान पात्र में आ रही उसको प्रतिदिन गिनते हैं बैंक के ही लोग आकर, और बैंकों के लोग जब आते हैं तो उसकी बाकायदे गिनती होने के बाद उसमें अंकित किया जाता है अंकों को। तो इस प्रकार से अभी 2-3 दिनों के अंदर जो है 4 करोड़ के आसपास जो है धनराशि आई है, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल रामलला के मंदिर दर्शन और आरती का समय जारी हो चुका है। सुबह और शाम में मिलाकर पूरे दिन में 6 बार आरती होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स